व्लॉग्स। तो आज के इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं गारबेट पॉइंट पे, जो कि हमने अभी स्टार्ट ले लिया है। मौसम थोड़ा सनी था लेकिन अभी थोड़ा क्लाउडी हो गया है, तो देखते हैं ऊपर शायद से बारिश तो आना चाहिए। लॉकडाउन के बाद में ये मैं अपना पहला ट्रिप, ओके सो देखते चलो अभी आगे जाके। पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ पे 2-3 बार, लेकिन यहाँ पे फिर से आने का मौका मिला तो क्यों इसे यूटिलाइज किया जाए मौके को। तो जैसे कि मुंबई में लोकल हम लोग के लिए अलाउड नहीं है, तो हम ये टाइम हमारी टीम वंडरिंग सोल्स के साथ प्राइवेट बस में आए हैं। इधर भीवपुरी में एक रेस्टोरेंट में हमने नाश्ता किया और हम अभी ट्रैक की ओर बढ़ रहे हैं। मैं भी कैमरा पे शायद से 2 साल बाद ही आ रहा हूँ, जैसे कि सब जगह लॉकडाउन था कोविड की वजह से। एंड तो क्यों ना इस ट्रैक पर आ ही रहा हूँ तो एक ब्लॉग क्यों ना बनाया जाए। तो हाँ, और अभी एक छोटा सा ये गांव है, यहाँ से अभी हम ये वे से हम निकलेंगे। आगे जाके एक मीटअप पॉइंट रहेगा जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस और ट्रैक पे जो इम्पोर्टेंट जो हमें नहीं करना है वो हमें सबको बताया जाएगा। और हम यहाँ Thank you.
सो गाइज़, एक चीज़ मैंने नोटिस किया, कुछ लोग थे वहाँ पे, उनका शूज़ में ग्रिप नहीं था यहाँ पे, वो लोग फिसल रहे थे। तो मैं बोलना चाहूँगा, शूज़ अच्छा वाला शूज़ पहन के आओ यहाँ पे, तो क्या है आपको भी चलने में दिक्कत नहीं होगी। और अभी यहाँ पे तो सब कुछ अभी सब सेफली चल रहे हम लोग, और हम लोग का ग्रुप भी बहुत अच्छा खासा सब एक्टिव है। एंड अभी ऑलमोस्ट हमने करीब करीब 50-60% के रेंज में हमने यहाँ पे कवर कर दिया है हमारा ट्रैक। और ऑलमोस्ट अभी डेढ़ घंटा हो चुका है, डेढ़ से दो घंटा पकड़ लीजिए, डेढ़ से दो घंटा हम चल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे पीछे एक गांव आता है एक्चुअली, अगर किसी को पानी या वॉशरूम करेगा ना, तो बीच में एक गाँव आता है। मैंने वीडियो में लिया नहीं है मैंने, क्योंकि सब जन थक चुके थे और मैं भी खुद स्पेशली मैं थक गया था। तो गाँव में हमने बीच में गाँव होके फिर हम आगे गाँव आ गए, तो समझ लो ऑलमोस्ट आप लोग 40-50% आपने कवर कर लिया आराम से गाँव जस्ट क्रॉस करके। अभी थोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे यहाँ पे, ऑलमोस्ट हमने 60-70% कवर कर लिया है, अभी और 30-20% बाकी है। और अभी तक का रिव्यू तो भाई, अगर तुम लोग आ रहे हो फर्स्ट टाइम के लिए, तो थोड़ा प्रिपेयर होकर ही आना कि बहुत लेंदी रहेगा, मिनिमम 4 घंटा तो पकड़ के ही चलना, कि 4 घंटा लगेगा ऊपर चढ़ने में। और अभी लॉकडाउन के बाद में मेरे को 2 साल बाद में आया, मेरे को भी थोड़ा लग रहा है अभी, बट ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा और रहेगा, फिर डायरेक्ट हम प्लेट्यू पे पहुंच जाएंगे। सो अभी मिलते हैं सीधा प्लेट्यू पे, ठीक है। सो हे गाइस, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं प्लेट्यू पे, बहुत मेहनत करने के बाद। चलो अब जाके सुकून मिला है भाई, क्या व्यू दिख रहा है यार यहाँ से। जो सामने का जो पहाड़ दिख रहा है ना पूरा, वो माथेरन का पूरा है। तो अभी फ्लैट हो गया, पे आ गए है, पूरा है माथेरन है। अभी आपको दिखाता हूँ, इधर पे भी एक लेक है, ये दूसरा लेक है माथेरन में, एक लेक है, और जो हम आए थे स्टार्टिंग में वो अलग लेक है। अलग ही सेटिस्फेक्शन है इतना मेहनत करके ऊपर आने के बाद। फाइनली थोड़ा बारिश आया साथ में हवा के साथ, और इस मौसम में और खुशहाल कर दी। पूरा फॉग हो चुका है, हम 7वें आसमान में पहुंच चुके हैं इन शॉर्ट।
ये ट्रैक के बारे में कहूँगा कि मिनिमम आपको 2 से 3 लीटर पानी लेके जाना होगा, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि ट्रैक ही सिंपल चीज़ है और पहली बार आ रहे हो, तो मन बना के चल लेना कि मिनिमम 4-5 घंटा पूरा आपको तो चलना होगा, ट्रैक करना ही होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये इजी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मॉडरेट लाइक मीडियम आप बोल सकते हो इसे। सो अभी हम निकल रहे यहाँ से प्लेट्यू से, बहुत जन यहाँ पे डिसेंड होके जा रहे थे, लेकिन हम लोग डिसेंड होके नहीं जाएंगे। हमारा यहाँ से हम वॉकिंग अराउंड 1 आवर लगेगा, 1 घंटा लगेगा हमें वॉक करके। हम थोड़ा सा असेंड होके पीक की तरफ जाएंगे, पीक से होके वहाँ पे एक रास्ता है जो सीधा माथेरन की ओर जाता है। क्या दिख रहा है यार, हाँ तो मैं किधर था, हाँ पीक की ओर से, हाँ हम जाएंगे डिसेंड होके, डिसेंड होके फिर यहाँ से निकलेंगे। करीब करीब 1 घंटा लगेगा अभी यहाँ से जाते जाते हमें वॉक करते करते। फिर यहाँ से माथेरन के यहाँ से हम कैब करेंगे, कैब करके हमारा एक जो पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे बस नहीं आती है ना ऊपर माथेरन में, तो वहाँ पे हमने पेट्रोल पंप के यहाँ पे बोला है अभी बस वाले को रुकने के लिए, वहाँ से हम उधर जाएंगे। फिर वहाँ से पेट्रोल पंप से सीधा वापस से हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उधर पे लंच करके, जो कि अभी लंच होने का तो टाइम नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 6 बजने आ रहा है, अभी 5 बज रहा है, तो लंच करके फिर वहाँ से हम निकलेंगे। अलविदा अलविदा गार्बेट प्लेटियो, बाय बाय। मेरा भी डेंटिस्ट वाले लगा है, सब भीड़ पड़ने वाले। सो गाइज अभी कैब करके हम निकल रहे बस की ओर, लाइक यहाँ पे राइडर लोग भी बहुत है, ये कैब जो चला रहे यहाँ के ड्राइवर लोग सब राइडर लोग हैं। इन लोग का तो रोज का है, लेकिन आप एक बार बैठोगे तो आपको एक बार के लिए थोड़ा डर लग सकता है। तो चलो फिर मिलते हैं, हम अभी यहाँ से डायरेक्ट बस की ओर जाएंगे, फिर वहाँ से रेस्टोरेंट से घर पे। तो तब तक के लिए थैंक यू, आप सब ने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कर सकते हैं वो सब कीजिए, और मिलते हैं हम फिर अगले व्लॉग में। चलो बाय गाइस। पाँच सीट है ना, 50 का मतलब 50 रुपये।